एक जरूरी संदेश देने के लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं सभी से अपील करता हूं पूरे देशवासियों से कि वो ज्यादा से ज्यादा समय घर पे रहें, कि कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है और ये महामारी पूरी दुनिया में फैल रही है। भारत में भी इसके पॉजिटिव केस आने लगे, क्योंकि अभी ज्यादा टेस्ट नहीं हो तो ज्यादा जानकारी, ज्यादा रिकॉर्ड जो है हमारे पास नहीं। लेकिन मेरी अपील है सभी देशवासियों से कि जब तक जरूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड साबुन से धोएं, और जो इसके सिम्टम्स हैं जैसे खांसी आना, बुखार आना, ये नाक से पानी आना, सांस फूलना, अगर किसी को भी ऐसा महसूस हो तो गंभीरता से उसकी जांच कराएं। दूसरा, आज जरूरत है तमाम पूरे देश के उन डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं उनका हौसला बढ़ाने की, उनको अप्रिशिएट करने, क्योंकि वो जैसे सेना के जवान काम करते हैं ऐसा काम कर रहे हैं, दिन रात लग के अपने जीवन की परवाह नहीं कर रहे। तो ऐसे सभी डॉक्टर्स को, कर्मचारियों को सलाम कि वो पूरी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और आज उन्होंने फिर महसूस कराया कि एक डॉक्टर जो है वो भगवान का कार्य करता है। लेकिन मैं सरकार से भी मांग करूंगा कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर्स को, कर्मचारियों को मुहैया करा दिए जाएं, जो वो अपने जीवन की सुरक्षा भी कर सके, क्योंकि उनके जीवन की सुरक्षा, वो भी इंसान है, उनके जीवन की सुरक्षा भी बड़ी जिम्मेदारी। तो ये सरकार जल्दी जल्दी मुहैया कराए कि वो उतनी तेजी से स्वस्थ रहते हुए आम नागरिकों की सुरक्षा कर सके, उनका इलाज कर सके। सरकार की तो कोई तैयारी नहीं है, ना तो बड़े पैमाने पर टेस्ट शुरू कराए गए अभी, और कोई तैयारी और भी नजर नहीं आ रही। जैसा स्पेन ने किया था, मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं उनको ओवरटेक कर ले कम से कम एक महीने के लिए, जैसा स्पेन में हुआ, सारे जो हॉस्पिटल थे वो नेशनलाइज कर दिए गए, क्योंकि यहां 80% हेल्थ तो प्राइवेट सेक्टर में है और 90% जो बेड हैं जो यूज होते हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर में है। तो हमारे यहां तो लाखों लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं हर साल कि उनको बेहतर इलाज नहीं मिलता। तो ये समय है इस महामारी से बचने के लिए सरकार तैयारी करे। एक और बहुत जरूरी संदेश, थाली बजाने से या घंटी बजाने से कोरोना नहीं भागेगा। मैं आपको एक जानकारी देता हूं, आपके पास मोबाइल फोन है, इसे प्रयोग करने का समय आज, फोन कीजिए। मैं कुछ वीडियो भी अब पेज पे अपलोड कराऊंगा जिससे पता लगे कोरोना कैसे फैल रहा है। तो उन वीडियो को देखने के बाद आप फोन करें, इस फोन का प्रयोग करें, कम से कम एक आदमी 100 कॉल या 50 कॉल करके अपने गांव में रहने वाले लोगों को, परिवार के लोगों को समझाएं कि किस तरह से वो गांव में रहकर, घरों में रहकर जो है इस बीमारी से लड़ सकते हैं। आज सरकार से ज्यादा आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिम्मेदारी को अदा करें और जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकले। मेरी बहुत बहुत मंगल कामना आप सब लोगों के स्वास्थ्य के लिए, और अपने सभी डॉक्टर्स को हमारा सलाम, सारे कर्मचारियों को हॉस्पिटल के हमारा सलाम। आज अपने आप फिर इस दुनिया में एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी की जिम्मेदारी, सरकार के पास ऐसी कोई छड़ी नहीं है कि एक मिनट में वो इलाज कर देगी। सरकार का तो हाल आप पहले जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने वाक्य भी दिया कि आप घंटी बजाओ और थाली बजाओ। इन्हीं ड्रामों की वजह से हम लोग पीछे हैं। आप फोन यूज कीजिए, इस वीडियो के बाद कुछ वीडियो पेज से अपलोड होंगी, आप उनको देखिए कैसे कोरोना फैलता है, नेट पर जानकारी लीजिए और फोन करके जो है लोगों को जागरूक कीजिए, इससे बचाव के लिए घरों में रहने के लिए प्रेरित कीजिए। दूसरा, इंसानियत को बचाने का यही मौका है और आप सब पे जिम्मेदारी, इंसानियत का धर्म अदा कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाइए कि लोग सचेत हों। और मुझे इसलिए बनानी पड़ रही क्योंकि हमारे लोग सबसे ज्यादा भरोसा मेरे ऊपर करते हैं और मेरी जिम्मेदारी कि हमारे लोग सुरक्षित रहें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरी आप सब लोगों के लिए मंगल कामना है, पूरे देशवासियों के लिए। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।